तो बायोलॉग नेटफ्लिक्स की तरफ से एक और मोस्ट पावरफुल कंटेंट हमें प्रॉमिस कर दिया गया है, जिसके लिए पिछले 2 साल से बेसब्री से इंतजार चल रहा था, यानी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, जो कि बताया जा रहा है कि इस सीरीज का फाइनल सीजन होने वाला है। उसके ऑल एपिसोड्स के टाइटल्स का टीजर आ चुका है, तो अभी बात करेंगे और थ्योरी सेट करेंगे कि टाइटल्स के अकॉर्डिंग हमें आखिर सीजन 5 के हर एक एपिसोड में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बाबा लोग सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू ऑल आर वेरी अमेजिंग एंड लवेबल ऑडियंस, लव यू ऑल। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5, जहां टोटल 8 एपिसोड्स प्रॉमिस करे जा रहे हैं और सूत्रों से ये भी पता लगा है कि सीजन फिनाले को भी 2 वॉल्यूम में ड्रॉप करा जाएगा, जो उम्मीद जताई जा रही है कि इसका फर्स्ट वॉल्यूम 2025 की समर में आ सकता है और सेकेंड वॉल्यूम November 6th of 2025 के आसपास आ सकता है और यहाँ स्ट्रेंजर थिंग्स का बवाल खत्म हो जाएगा। नाउ टॉक अबाउट कि टाइटल्स क्या क्या हैं और क्या हमें देखने को मिल सकता है, यानी क्या क्या, कुछ छोटी मोटी थ्योरी सेट करेंगे ब्रीफ स्टोरी को एनालिसिस करने के लिए। फर्स्ट एपिसोड होगा द क्रॉल, जिसका मतलब मैं समझ रहा हूं कि एक न्यू वे में कहानी को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सा बिल्डअप देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग में, एंड एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड मेकर ये हिंट देकर जाएगा कि वाई अब ये चीजें खत्म करनी जरूरी है, जो फील करा सकता है यानी वाइब सेट कर सकता है कि यस दिस इज द सीजन फिनाले। देन सेकेंड एपिसोड होगा द वैनिशिंग ऑफ -, मतलब ये सीजन 1 वाला हिसाब तो नहीं कर रहे, जैसे सीजन 1 एपिसोड 1 में विल बायर्स डिसअपीयर्ड हुआ था और एपिसोड का नाम था द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स, या फिर वेकना का कोई कनेक्शन सुनने में आया है कि वेकना ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है इस सीजन में, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कास्ट का डिसअपीयरेंस हो जाएगा, देखते हैं बाबा। क्योंकि द वैनिशिंग ऑफ में डेस की जगह पर क्या रखें, इसके लिए थोड़ा और डेटा चाहिए होगा, मे बी हमें टीजर से पता लग जाएगा, जो शायद इस साल के अंत तक हमें देखने को मिल जाए। थर्ड एपिसोड होगा द टर्नबो ट्रैप, नाम से ही पता चल रहा है कोई ट्रैप सेट होगा और किसके लिए हो सकता है, बाबा जो सीरीज का मेन विलेन है उसी के लिए हो सकता है, और कोई तो साइंस फिलहाल नहीं लग रहा है इस नाम से। देन फोर्थ एपिसोड होगा सॉर्सरर, अब इस एपिसोड में क्या मिस्ट्री होगी बाबा, देखा जाए तो वाइजली बात चल रही है और हम जानते हैं वाइजर की लिस्ट में अगेन विल द वाइज आता है, तो कुछ मैजिकल पावर इवेंट वाला देखने को मिल सकता है, जहां मे बी विल ह्यूज एंड फाइन रोल प्ले कर सकता है, देखते हैं। इट इज जस्ट अ थ्योरी, या मे बी कोई आउटर सपोर्ट अपनी टीम को मिल जाएगी मेन विलेन से लड़ने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। देन फिफ्थ एपिसोड है भाई सॉक जॉक, देखो अमेरिकन रेडियो के हिसाब से माने तो सॉक जॉक स्टम्प का इस्तेमाल किसी रेडियो ब्रॉडकास्टर के लिए किया जाता था जो रेडियो टॉक शो में बैठता था, खासकर 1987 के आसपास ये हाई पीक में था, तो बाबा अपनी सीरीज से कनेक्शन सिर्फ रेडियो स्टेशन का है यहाँ, यानी WSQ के रेडियो स्टेशन जो अपने हॉकिन सिटी में है उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब वो इंपॉर्टेंट रोल नेगेटिव वे में होगा या पॉजिटिव वे में होगा वो देखते हैं आगे। देन सिक्स्थ एपिसोड होगा एस्केप फ्रॉम कामाजॉर्ज, देखो कामाजॉर्ज टर्म का इस्तेमाल एंशियंट मीजो अमेरिकन सोसाइटीज में डेथ बेड के लिए किया जाता था, यानी जो खुद को मौत का देवता मानता था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इस रिचुअल का इस्तेमाल मीजो अमेरिकन सोसाइटी में पहले सेक्रीफाइसेस यानी बलि वगैरह देने के लिए किया जाता था। तो बाबा हमने पिछले सीजन में वेकना के स्पाइस डेमोबेट्स को देखा था, जिन्हें हमारा डस्टिन डेमोगॉर्गन्स भी बोलता है, तो भाई इन डेमोबेट्स के हाथ कोई मरने वाला है, और मे बी ये भी हो सकता है कि कोई मेन कैरेक्टर की यहाँ बलि दी जाएगी ताकि स्टोरी का वजूद और मजबूत हो सके लास्ट एपिसोड तक जाते जाते, वो देखते हैं बाबा, जस्ट अ थ्योरी। देन सेवेंथ एपिसोड होगा द ब्रिज, अब ब्रिज से एक ही मतलब हो सकता है जो हम स्ट्रेंजर थिंग्स में देख रहे हैं, देयर इज 2 पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन हॉकिन सिटी, तो मे बी उस रास्ते को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जाएगी ताकि और क्रिएचर्स हॉकिंस में यानी अपने शहर में ना आ सके, मतलब डोंट टेक चांस, जल्दी थ्रेट को खत्म कर दो, जब रास्ता ही नहीं होगा तो कहां से आएंगे ये प्रॉब्लम्स, मे बी ऐसा कुछ हो इस एपिसोड में, मे बी। एंड लास्ट एंड फाइनल एपिसोड यानी 8th एपिसोड के लिए उन्होंने टाइटल दिया है द राइट साइड ऑफ, फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन फिनाले, जिसका मतलब क्या निकालें, रिवर्स या जस्ट अपोजिट ऑफ ऑल इट, मतलब जो चीज जहां से शुरू हुई उसे वहीं खत्म करना चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम का दी एंड हो सकेगा। मेरे हिसाब से ये हो सकता है, जहां 11 अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेगी सुपर विलेन को हराने के लिए, एंड द बेस्ट थिंग यही होगा कि उसे उसी के घर में हराया जाए, क्योंकि कई बार सुपर विलेन अपने घर में ही कमजोर देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं बाबा। दीज ऑल आर द थ्योरीज, बाकी इससे रिलेटेड कुछ और मटेरियल मिलता है तो उस पर फिर से बात कर ली जाएगी कि आखिर हमें सीजन 5 में मिल क्या सकता है, और मे बी कुछ टाइम बाद स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर भी हमको देखने को मिल सकता है इस साल के लास्ट में, उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में देखने को मिल जाए,
मे बी। बाकी अभी के लिए इतना ही। आपके हिसाब से क्या थ्योरीज होती हैं इन सारी एपिसोड्स को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को लेकर, जरूर जरूर शेयर करके जाना हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ मिलकर बात करते हैं। अगर मुझे तुम्हारी थ्योरीज एंड थॉट्स रीजनेबल एंड वैल्यूएबल लगे तो मैं एक नई वीडियो बनाकर उस पर डिस्कस जरूर करूँगा। बाकी भाई वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना। बाकी नेक्स्ट रिव्यू होने वाला है अपनी सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज का रिव्यू, क्योंकि उस पर भाई सुनने में आया है वरुण धवन काफ़ी ज़बरदस्त काम करते नजर आया है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। नए हो तो बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ ढेर सारी बातें करते रहते हैं। फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 8 को लेकर और भी थ्योरीज आ रही हैं, तो बाबा उस पर भी बात करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।